And welcome to the Kapil Sharma Show. पारी आज लग रहा है कि नहीं पूरा सोसाइटी में शादी वाला माहौल। यार आज मैं शुरू करूंगा माहौल। प्लीज इतना चकाचौंध है यार, कमाल की यार, चमक रहा है यार जर्रा चमन की तरह, रोशन है ये महफिल गुले गुलशन की तरह। अबे क्या कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के नीचे आने वाली है, सजी धजी है शांतिवन सोसाइटी नई दुल्हन की तरह। आएगी अप्सरा, आएगी, थोड़ा सबर रखो, आएगी आएगी। हमें पूरा ध्यान है आपके एंटरटेनमेंट का। पाजी आजकल देख लो, शादियां जो हो रही हैं पहले जैसी शादियां नहीं रही। हाँ। पूरा माहौल सजा रहता था, सारे घर पे चहल पहल। आजकल तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आ गए। हाँ। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले बुजुर्ग घर के जो थे वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ। अब देखो जितने भी घर के काम होते थे सब घर वालों की ड्यूटियां लगी होती थी। बिल्कुल। जैसे सुबह सुबह सब्जी लेने भेजना ना किसी को, तो उस चाचा को भेजते थे जिसकी शादी नहीं हुई। क्यों? उनको पता था कुंवारा जल्दी उठ जाएगा सुबह। वो जाता था, उसके बाद जब ये सब्जियां लेके आ जाता था फिर भतीजे के साथ उसको बर्फ लेने भेज देते थे। अब स्कूटर पे बर्फ लेने जा रहा है, गर्मी में लू पड़ी हुई स्कूटर पे, सामने से तड़कता फड़कता मुंह लाल हो रहा है, पीछे से ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है। होता ना कि आदमी कूल डाउन हो रहा है इंजन, जैसे जैसे ठंडी लगती ना तो आदमी स्कूटर पे ऐसे होता जाता है, पीछे रखे बैठ। अब देखो सामने तपता हुआ रेगिस्तान, पीछे से उसका सारा कुल्ला मनाली हुआ पड़ता था ठंडा ठंडा। आप देख लो स्कूटर पे ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो ना ऐसे लोगों को जाते हैं, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। आप कभी देखना ये जो सिलेंडर लेके आते हैं ना, उनका स्कूटर पे बैठने का स्टाइल कैसा होता है, इधर सिलेंडर रखा था इधर ऐसे ऐसे। अच्छा लोग स्कूटर पे गड्ढे का काम लेना बंद नहीं करते, पता कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर आगे को चला रहा आदमी और पीछे बिठा देते डिग्गी पे, उसका मुंह उल्टा है, इधर इस तरफ स्कूटर चल रहा है। हाँ। इस तरफ गद्दे लेके बैठा। अब आदमी, हाँ, आम आदमी कैसे मैनेज करता है? हाँ। दोनों पहले तो घुटने उठा के टाइट करेगा उनको, गद्दों को पकड़े। हाँ। ना गड्ढे। हाँ। एक घुटना उठाया फिर इधर वाला उठाया। हाँ। इधर से बाजू, ऊपर से ठुड्डी लगा के टाइट कर लेता है। फिर वो हिल नहीं सकता, उसके हाथ में उसकी लाइफ का कोई डिसीजन उसके हाथ में नहीं है, डिपेंड करता है सड़क कैसी है, जैसे गड्ढा। ये बड़ी चीजें होती है बाजी, बड़ी मजेदार चीजें होती है ये। अच्छा आजकल ना जितने भी इन्विटेशन कार्ड होते हैं ना, शादी का इनविटेशन कार्ड, उस पर एक चीज बड़ी जरूर आजकल हो ही गई है, चाहे घर में छोटा बच्चा हो ना हो, मेले चाचू की शादी पे जलूल जलूल आना। वो ऐसा छापते छापते जो कार्ड छापने वाला वो भी तोतला आ जाता है, मेले चाचू की शादी पे जलूल आना। भाई साहब 10,000 रुपए हो गए आपते। अच्छा मेरे को भी एक ऐसा कार्ड है भाजी, उसमें लिखा था मेले मामू की शादी में जलूल जलूल आना राहुल। मैं पूरी शादी में राहुल ढूंढता रहा, बाद में राहुल देखा तो इतनी इतनी मूछे निकली और दुल्हन की बहनों को ताड़ रहा है। ये तो शादी के कार्ड बांटना बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। बिल्कुल। गर्मी में आप जाओ कार्ड बांटने, ये तो शुक्र है कि आप कार्ड बांटने जाते हो तो लोग इज्जत बड़ी करते हैं, डिपेंड करता है आपने कार्ड पे लिखा क्या, विद फैमिली लिखा है तो बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपने सीधा मनोहर लाल लिख दिया ना तो वो भी चाय के साथ रखता, कुछ नहीं है। अच्छा शरबत बड़ा पिलाएंगे अगर गर्मी में जा रहे हो आप हर बार, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप, शरबत तो। अच्छा अब इतना शरबत आदमी पीता है ना कि घर लौटने से पहले रास्ते में स्कूटर लगा के शरबत की डिलीवरी देनी पड़ती है पहले आपको सड़क पे, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो खुद ताऊ की बेटी की शादी में गर्मी में पाजी मेरी ड्यूटी लगा दी, 100-150 कार्ड दे दिए, मैंने 3-4 बांटे, बाकी नहर में फेंका है मैं। उनको तो तब पता चला जब शादी में मछुआरे आ गए ना। कई लोग तो इनविटेशन ऐसा देते पोल खोल के रख देते सामने वाले की, कैसे साफ लिखते थे भंवरलाल और पहले वाली पत्नी। अच्छा एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक जो होती थी बहुत महंगी मानी जाती थी। हाँ। जैसे हम जैसे परिवार में शादी होती ना, मतलब जेड सिक्योरिटी होती थी उसके पास, कैसे कोल्ड ड्रिंक देते नहीं थे बच्चों को, देते नहीं थे, सिर्फ बरातियों के लिए होती थी, और बरातियों में भी उनके लिए जो मतलब 20-25 साल से ऊपर हैं। हाँ। बच्चा लेने जाता तो ट्रे ऊपर कर, फिर बच्चा माँ को बुला के कोल्ड ड्रिंक, फिर माँ आती थी वो इस गारंटी भी लेके जाती थी कि जो बच्चा है कि बच्चे की वो मैं पीऊंगी। अच्छा कई लोग ना बड़ी सयानी सलाह देते हैं फालतू में, अपना दिल कर रहा होता है बीच में, जैसे जीजा टाइप आदमी बोल देगा भाई वो विस्की के स्टॉल पे कोई घर का ही आदमी रहना चाहिए, तो लोग बोलते हैं जीजा जी आप खुद क्यों डाल देते, ठीक है मैं उसको वहीं से तसल्ली हुई थी कि अब मैं ठोकूंगा एक के बाद एक। शराब से याद है कई लोग शराब पी गए थे ना, पूरी बारात गाना वाना चल रहा है स्टेज पे ये वो, ऐसा आदमी आगे पहले पूरा गाना रुकवाता है, नहीं 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 बंद बंद बंद, बार बार देखो फिर डांस, फिर वो उसे गंदा ही करना चाहे जो मर्जी गाना लगा दो। अरे शादी में जो गेस्ट आते ना
वो खाना वाना देख लेते पहले कि कैसा है, उसके हिसाब से शगुन डालते हैं। भाई दो मिठाइयां, दो पूरियां, एक नान था, 200 डाल दो। बच्चा बोलता है पापा आइसक्रीम भी थी, चल 100 और डाल दे। बीच में से बीवी बोलती काहे का 100 और डाल दो, दाल तो सारी जली हुई थी, चल 50 निकाल ले। मतलब यही चलता रहता है। अच्छा जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो अक्सर शादियां अटेंड करते रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते, आपको पता है। वो पूरा चेक करते हैं पहले मेन्यू क्या क्या लगा हुआ है, पूरा ताड़ के ना पूरा स्कैन करते हैं सब्जियों से, उसके बाद प्लेट उठाते हैं और महंगी महंगी सब्जियां डालते हैं। कई लोग भोले होते हैं बेचारे दिनेश जैसे ना, सीधे पहले काउंटर से शुरू होते, पहले चावल भर लिए, उसके बाद देखा काजू की सब्जी, फिर इधर पलट रहे होते। अरे कई लोग तो ऐसे भुक्कड़ होते ना, शादी खत्म हो गई, निकल भी गए, स्कूटर पे जा रहा है, पीछे से पापा, बच्चा बोलता है पापा मम्मी रह गई, आ जाएगी अपने आप। पापा रसमलाई खाई थी, रसमलाई कहाँ थी, अरे वो जलेबी वाले काउंटर के पास, पीछे स्कूटर वापस। छोड़ दो कुछ नहीं, मम्मी गई बाड़ में। अच्छा जहाँ प्लेट सिस्टम होता ना, 750 की प्लेट, वहां पे घर वाले खुद जरूर खड़े रहते हैं। उनको ये होता ना कि कोई प्लेट सिस्टम खराब ना हो। कई बार बच्चे करते हैं ना, बड़ी वाली प्लेट उठाएंगे, एक रसगुल्ला रखे चल पड़ते हैं। अब जिसने 750 देना उसको बड़ा गुस्सा आता है, बच्चा इधर से आ रहा है, घूम के सामने से आ जाता है बुजुर्ग, उसका चाहे शुगर हो उसका रसगुल्ला उठा खा लेंगे, सीधा मुंह में डाल सकता था रंग प्लेट उधर। मैं आप सबको बताता हूँ, जो सालियाँ होती ना बड़ा इंजॉय करती हैं, दूल्हे दुल्हन से ज्यादा इंजॉय सालियाँ करती हूँ। छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं जू। आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई, ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ, कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे, क्या कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता, ठोको। इस साली को बोले ठोको ठोको, साली कहती देखो शगुन नहीं देना, ना दो आंख में उंगली काहे मार रहे हो। कई लड़कियां ना शादी में माधुरी दीक्षित जैसे तैयार होके आती, पूरा पल्लू वल्लू ना, हम आपके हैं को लहंगा बनवा देना भैया, वैसा पहन के आती हैं, ग्रीन ब्लाउज व्हाइट ये सब जो भी। जब जैसे ही खाने की प्लेट हाथ में ना, हडिम्बा बन जाती हैं बाजी। 2 मिनट में ना चावल का पहाड़ खत्म कर देती है, हडिम्बा हडिम्बा की तरह खाती है। मैंने देखा है मोहल्ले की सबसे शाही बहू होती ना, जो जिसने कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने, वो भी इतना मुंह खोल के 2-2 गोलगप्पे एक साथ डालती है, और खाने के टाइम पे सारा पता चलता है। मेरा दोस्त ना दिनेश बेचारा, इसकी शादी जब हुई ना बाजी, बड़ा हैवी सीजन चल रहा था, दिल्ली में 40,000 शादियां हो रही थी, घोड़ी ना मिले, तो इसने पटा के ना किसी को बोल दिया कि घोड़ी के ऊपर चद्दर डाल देना, पता नहीं चलेगा कौन सा खच्चर ले आया। खच्चर होती है थोड़ी हाइट में कम, ये शादी में खच्चर जितना चल रही उतना ये भी चल रहा है। बारात जब जा रही होती ना, कई लोग ऐसे भी होते बीच बीच में नाच रहे ना, तो बीच बीच में छोड़ के ना गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी में उधर बाहर खुला आता ना, इतने लोग दूल्हे के पीछे नहीं उतरे जितने उस गाड़ी वाले के पीछे होते हैं। यदि बारात नाच रही है, एक बंदा आया नाचते नाचते, दोस्तों कह रहा कर रहा दो दो हो गए, फिर थोड़ा सा डांस किया, फिर वापस आया एक टैग मार के, फिर गया थोड़ी देर बाद, फिर आगे डांस कर रहा है थोड़ी देर बाद, फिर गया फिर गया बाद में वापस ही नहीं आया, पता चला 8 होकर गाड़ी के नीचे आया था। बड़ा कई लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक आदमी पक्का ऐसा होता है जो ना 100 रुपए मुंह में डाल के नाचता ना, बैंड वाले के सामने भी ऐसे ऐसे। अच्छा वो बैंड वाला त्रम्पट बजाता, वो देता नहीं उसको, पकड़ने नहीं देता। तो बैंड वालों को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, फिर आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। म्यूजिक वाली गाली मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा पहले जब लड़की विदा होती थी ना, 20-25 मिनट का रोने का अलग से एपिसोड होता था एक। अच्छा लड़की का भले मन ना कर रहा हो दुल्हन का रोने का, एक अजीब सी बुआ आती है अम्बाला टाइप शहर से, जो ऐसा मुंह बनाती वैसे रोना निकलता है, और दुल्हन रो देती है कि यार बुआ रो रही है। अच्छा रोते रोते ना बीच में कोई काम याद आता तो रोना बंद भी हो जाता है, पीछे मिठाइयां रखवा दी सबकी, हाँ गद्दे किन के देना उसको। आजकल लड़कियां नहीं रोती, कम रोती हैं आजकल, क्यों रोएं पाजी, 5,000-5,000 रुपए का फेशियल करवा के आती है, मेकअप थोड़ी खराब करना है। अबे रोना रोना तो घर वाले ने है।
दो दिन बाद रहेगा। चलो ये तो तजर्बा बोल रहा ना आपका। तेरा नहीं सबका। अच्छा आजकल और भी नया रिवाज है, चलते चलते रोते रोते सेल्फी भी लेनी है। एक तो पहले रो रो के मुंह गंदा हो, ऊपर सेल्फी करते हुए और गंदा बना लेती है। जी आई हेट दिस। अच्छा कोई शादी में आप गए हो, कोई एम्बेरस हुए हो आप किसी वजह से? जी मैम। नमस्ते सिद्धू जी। नमस्ते कपिल जी। मेरा नाम विनीता वार्ष्णे है, मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड बड़े रोमांटिक मूड में रहते थे हमेशा। अच्छा। तो इसी दौरान मेरी फ्रेंड की शादी में हमें जाने का मौका मिला और हम सारी फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि सब पिंक कलर की ही साड़ी पहनेंगे। शादी अंदर हो रही थी हॉल में, तो जैसे ही हम लोग हॉल में एंटर हुए विश करने के लिए, अचानक ही लाइट चली गई और एकदम से लाइट आ गई। पता चला कि मेरे हस्बैंड मौके का फ़ायदा उठाकर किसी और को हक कर रहे थे, मैं विनीता समझ कर। तो वो मतलब हक भी कर लिया, किस भी कर लिया और अचानक लाइट आई थी। कहाँ होती है ये शादियाँ? मतलब ये बात थी कि मेरा चेहरा तो शर्म से लाल हो रहा था और मेरे हस्बैंड का रंग फीका हो गया था बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो बहुत एम्बरेसमेंट मूवमेंट था मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। उनके लिए कोई एम्बरेसमेंट मूवमेंट नहीं, उनका रॉन्ग नंबर तगड़ा लग गया। तो वो आए नहीं आपके हस्बैंड साथ में? मेरे हस्बैंड नहीं आए, मैं चेक करो कि शादियां ना अटेंड कर रहे हो। लेकिन वैसे हैं मेरे हस्बैंड बहुत सीधे। सीधे? बहुत सीधे। ये जो काम किया सीधे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम शो में आने के लिए आपका। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सिद्धू भैया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब कहाँ से आए आप? दिल्ली। यार दिल्ली में तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही होगी ना? बहुत ज्यादा। तभी इधर आए आप? नहीं यहाँ पे मैं किसी और मकसद से आया बेसिकली। अच्छा वैसे घूमने? मैं मेरी स्टूडेंट के साथ आया हूँ, वो student? बहुत अच्छी सिंगर है, इंडियन आइडल में टॉप 19 में थी ये। अच्छा। लास्ट राउंड में बाहर हुई मुंबई में। अच्छा। और उसके भी एल्बम रिलीज है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए मैं। तो आप क्या करते हैं? मैं भी म्यूजिक टीचर हूँ। अरे वाह यार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुनाइए कुछ ऐसे ही। ये मेरी स्टूडेंट सुनाएगी, आप इससे सुनिए प्लीज। जी जी जी। हेलो सर, कपिल सर। हेलो सिद्धू सर। वेलकम। फाइन। कुछ सुनाइए आप। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। क्या बात है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ क्या बात है यार, कितने साल के हो आप? 15 years, पर आप गा तो इतना मतलब मैच्योर आपकी गायकी है, जोरदार ताली है छोटी बच्ची के लिए, क्या बात है। तो आपके लिए खूबसूरत सा मोबाइल है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा गाते हो आप। गॉड ब्लेस। शाबाश बेटा, शाबाश। ये लो बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओ शाबाश बेटा, शाबाश। भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। अब वक्त है उन्हें आमंत्रित करने का जिनके लिए ये सब तैयारियां की गई हैं, जिनके लिए सब खूबसूरत स्टेज सजाई गई है। बॉलीवुड की सबसे नई शादीशुदा जोड़ी, प्लीज वेलकम मिस्टर करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बसु।
विपाशा और करण के लिए जोरदार तालियां। अच्छा सबसे पहले तो आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। जोरदार तालियां हो जाए यार दोनों के लिए। अंगूठी से नगीने की मुलाकात लगती है, गुलिस्तान से खिल उठी बहारों की सौगात लगती है, कुदरत ने मिलाया है तुम्हें नसीबों से, तुम्हें मुबारक हो। अरे चंदन संग खुशबू, बादल संग बरसात, ये जोड़ी तो दिया और बाती जैसे एक साथ लगती है। क्या बात है। थैंक यू भाजी, थैंक यू। हालांकि पिछली बार जब विपाशा से मुलाकात हुई थी आपने कुछ और कहा था। तब शादी नहीं हुई थी। आप क्या नहीं होने पाजी? मैं मौका टेरियन हूँ। करण एक बात बताओ, मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम मतलब रिक्शा में ये क्या था मतलब? क्या ना भाजी, वो शादी में इतना खर्चा हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ऐसी बीवी अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं एक्सक्यूज मी, मैं दिखती हूँ हाई मेंटेनेंस पर मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। ओ क्या कह रहा भैया? What did you do? I said of course. Yeah, that's one. I have a very good husband. मेरे जब साथ रहता है तो एकदम हाँ में हाँ मिलाता है, पर पीछे जाके पता नहीं क्या कर रहा है। I'm stretching my legs, रिक्शा चला चला। Quiet. अच्छा इनकी लो मेंटेनेंस भी करोड़ों में होती है। चलिए आप आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे विपाशा और करण से। आइए प्लीज, आज आपको बताया आपके लिए खास तौर पे हमने नया सोफा मंगवाया। वाह बजट। एंड आई लव व्हाइट। मी टू। यू लव व्हाइट, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग। अरे और नीचे दिखा रहा हूँ। okay. सब व्हाइट। सब व्हाइट। देख लो बाजी, एक तरफ 6 pack, एक तरफ 8 pack, टोटल हमारे पास 14 pack मौजूद है इस समय स्टेज पे। और ये अच्छा, ये बॉडी से जितने भी कड़क हों, अंदर दिल के बड़े नरम है। हमने एक ही बहन को बताया कि आपकी नई नई शादी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप ही गए तो थोड़ा और एंजॉय करके आते हैं। इतनी मतलब अभी 28 दिन हुए हैं, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, शादी है। नहीं नहीं शादी है या, अभी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा मैंने अभी देखा बाहर ना, कुछ मीडिया के लोग इनसे पूछ रहे थे कि शादी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। भाई 20 दिन में क्या निकलेंगे इफेक्ट? नहीं पर ऐसे कुछ चेंज लगता है विपाशा? ऐसे होता है कि मतलब ये पहनती हूँ मैं एक नोआ। अच्छा। बंगालीज लोग पहनते हैं आफ्टर मैरिज। अच्छा। तो और ये पहनती हूँ सिंदूर। सो बहुत इन दैट वे आई फील मैरिड। सी यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल विपाशा। पर करण का कुछ चेंज हुआ कुछ? जी, मैं एक रिंग पहनता हूँ और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले यस बॉस बोलता हूँ। ऐसे ही रहना। यस बॉस। अब सब जानते हैं करण पंजाबी फैमिली से है, विपाशा जो है वे बंगाली फैमिली से है, लेकिन जब शादी हुई तो करण धोती पहन के गया। फुल बंगाली। हाँ तो वो क्या था मतलब, धोती पहनने का आइडिया भी विपाशा का था या गर्मी की वजह से पहनी थी या आपने शुरू से ही हथियार डाल दिए कि भाई जो बीवी कहेगी वो करना है? बंगाली स्टाइल में शादी करे थे जी, तो उसमें धोती पहनना पड़ता है। अच्छा तो विपाशा को लेके आए थे फैमिली वाले ऐसे उठा के दुल्हन को जैसे लाते? हाँ। तो ऐसे से किया था? हाँ। और मैं तो पहली बार पहले तो मुझे उठाया मेरे भाइयों ने, मैं काफी हेवी हूँ जी, उसके साथ साथ मेरा वो 20 kg का घाघरा। नहीं इतनी हेवी नहीं, आप हमारी बहनें देख लो ना आप। सीरियसली पर आप बंगाली नहीं हो ना, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं, हमने तो कार को धक्का लगाते कमर मचक दी थी हमारी। पर ये क्यों करते करण, ये डराते क्यों? पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना था, बैठा था वहां पे। उसको बोलते हैं उल्लू। उल्लू 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 उल्लू। मैंने कहा ठीक है जा रहा हूं यार, क्या प्रॉब्लम है, जा गाली क्यों दे रहे उल्लू उल्लू उल्लू। नहीं उसका मतलब सीधा है कि आज से मैं शहीद हो गया हूं। दस पंद्रह जनानियां करें ना एक साथ, बड़ा मजा आता है, एको होता है। उन्हीं को मजा आता है, सच्ची में सुन रहे हैं उनको नहीं आता? नहीं पर नहीं इनके जो रिश्तेदार थे पागल होते वो लोग भी करने लगे, दे वर मेकिंग द सेम साउंड, सारे पंजाबी ऐसे करने लगे। या इतना सारा उलू उलू लगता है, अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आ गया, हमला कर दिया उसने दोबारा आके। भाई कपूर शर्मा, तुम तो बेशर्मा निकले यार।
तुमने बताया नहीं गेस्ट आ गए भाई? मुबारक हो, बहुत ज्यादा बहुत बहुत मुबारक हो जी। जीते रहो भाई, जीते रहो, बहुत करे न। हेलो भाई, मेरी तरफ से शगुन का लिफाफा। थैंक यू। करण चेक कर लो पहले, इसमें पैसे हैं भी कि नहीं? नहीं, पैसे तो है नहीं उसमें। बहुत बहुत पैसे खाली दे दिया आपने। चलो पैसे डाल लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या लिफाफा आ गया। लोग ब्लैंक चेक देते हैं, ब्लैंक एनवलप भी हमको। ये तो बहुत ढीठ है, पता है, अपनी रात को दरवाजा खोल के सोते हैं ताकि इनकी बेटी भाग जाए, उनको शगुन ना डालना पड़े। बिपाशा ये ना सुबह से कह रहे हैं कि मेरी भतीजी है बिपाशा, आपने पहचाना? मैं भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना डॉक्टर साहब? अभी हिंट देता हूँ मैं, आप पहचानो मेरे को। पहचाना? नहीं पहचाना। एक और हिंट है, पहचाना? यार बहुत अजीब सा रैंप हो गया। एक और हिंट करता हूँ, ऐसी क्या बात है, पहचाना? अरे बचपन में तुम ऐसे क्या करती थी, तुम अपने आप को ही नहीं पहचान रही, तो फिर मेरे को क्या पहचानोगे? चलो आए हो तो मैं, ये अब थाली है मेरे पास, रीति रिवाज तो मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं वही ना रखे इंजेक्शन? नहीं नहीं, अरे स्वागत के टाइम तो टीका लगाते हैं। हाँ तो मैं भी तो टीका ही लगा रहा हूँ। ये वाला टीका मैं कौन सा एम्बुलेंस लगा रहा हूँ? अरे वो माथे पे लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको माथे पे लगाऊंगा तो इनको दर्द होगा, ये जहाँ लगाते हैं वहीं लगाऊंगा। बम पे? अच्छा डरने की क्या बात है भाई, नहीं लगाते। मुंह मीठा कराओ यार, पागलों की बात। मुंह मीठा कर लेते हैं, इसमें क्या है, मुंह मीठा कर लिया भाई। भाई पहली बार शादी के बाद आए हो तो कोई गिफ्ट लाए हो कि नहीं लाए हो? गिफ्ट लाएंगे, आप देंगे ना? वो दे दो गिफ्ट आप। 50-50 हॉस्पिटल है ना हमारा, यहाँ कोई भी। अब ये मैंने तुमको दे दिया, वापस नहीं लूंगा मैं, ये अंकल का तुम लोगों को गिफ्ट है, ये नहीं, ना ये नहीं लेना, नहीं तुम्हारे लिए, ना ये मैंने जो दे दिया आशीर्वाद वो दे दिया। डॉक्टर साहब गलत बात है वो, नई शादी गिफ्ट आपको लेके आना चाहिए था ना। देखो हमारे 50-50 हॉस्पिटल में कोई मरीज भी आता है ना तो वो भी फल फ्रूट लेके आता है, ये तो शादीशुदा कपल है, इनको लेके आना चाहिए था। चलो सही बात है, इनको रिटर्न गिफ्ट देके जाते हैं मरीज, इनकी पीठ पे देखना 2 रिटर्न गिफ्ट के निशान भी है। CCMB बनोगे? CCMB मतलब? मतलब कि चुपचाप मुंह बंद कर लो। चुपचाप मुंह बंद? आप LMBTC करोगे? की? पूछो ना इसका मतलब क्या होता है, क्या पूछो, पूछ क्यों नहीं? बता तुमने कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, लोग हंसेंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगेगा मेरा मजाक उड़ रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना। बट बता दे यार क्या है LMTC, क्या है जो बताना? कुछ नहीं पूछते तो बता देता। अच्छा बताइए। उनको बनाना पड़ेगा, उन्होंने बनाया नहीं। क्योंकि उनको बोल दिया उन्होंने, उनको भी नहीं पता उन्होंने क्या बोला। अच्छा मैं, चलो आप लोग आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ, करण शादी हुई है और अब मैं एज ए डॉक्टर आई वुड वांट नॉट एज अंकल बट डॉक्टर टेस्ट करना चाहूंगा मैं। अब आई डू सम टेस्ट। एक मिनट प्लीज, खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। ये तो बहुत ज्यादा कड़क है। जिम में सुबह लोहे का डंबल खाया था? 50-50 बिकॉज बहुत ज्यादा कड़क, नरम चीजें खाया करो। मैं लिख के देता हूँ तुमको, मेरे पास पेन नहीं है वरना मैं लिख देता। अच्छा सांस छोड़ो थोड़ा छोड़ जोर से। अरे इतना लंबा हनीमून बना के आए सिद्धू साहब, अभी भी सांसें गर्म आ रही है। चलो कोई नहीं। आपका तो सांस का थोड़ा सा है, आपका ना मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। या इधर ही अल्ट्रासाउंड करेंगे, इधर ही, ऐसा कुछ है नहीं। करें आप इधर आ जाए। कौन सी डिग्री है आपके पास? डिग्री कौन सी आपके पास? 50 डिग्री है मेरे पास। मैं नहीं बताता, 3rd डिग्री लगी हुई है मेरे को, पता है। अरे वो पूछ रहे जैसे MBBS, BDS, ऐसे वो कौन सी डिग्री है? TKSS. TKSS. The Kapil Sharma Show. अच्छा नहीं, आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। उल्टा साउंड? नहीं उल्टा साउंड। आप इधर थोड़ा गर्दन नीचे करें। नहीं नहीं नहीं,
समझ नहीं रहा, आपने कभी कराया नहीं? नहीं मैं करती हूं। आप ऐसे करें थोड़ा सा ये पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं थोड़ा सा, उधर देखें उधर देखें, थोड़ा सा इधर, क्या कर रहे हो? ये तो मैं मूड बना रहा हूँ टेस्ट का, और कुछ नहीं है। ये गीली रुई खा लूं? नहीं नहीं। बोलो सुबह शापा भी, सुबह शापा भी, सुबह शापा भी, सुबह शापा भी। अब बोलो सीधा, बोलो बिपाशा बासु, बिपाशा बासु। अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं आया, सीधा साउंड ठीक है आपका। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह और शाम दोनों बिपाशा बासु का नाम लेना है, सो यू विल बी फीलिंग मच बेटर। अभी पहली बार आए हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अभी आप आए और खाना वाना मैं ना खाऊं, मैं भी खा के आया थोड़ी देर में, ठीक है? उल्टा साउंड। अच्छा बिपाशा एक बात बताओ, जैसे शादी के बाद एक रस्म होती है, मुझे पता नहीं है कि बंगाली लोगों में होती कि नहीं होती, लेकिन करण जैसे पंजाब के लोगों में तो होती है कि शादी के बाद पहली बार नई नवेली दुल्हन एक महीना तो बिल्कुल किचन में काम नहीं करने देते, उसके बाद कुछ ना कुछ उनके हाथ से पकवान बनाए जाते हैं। तो बिपाशा प्रोटीन शेक के अलावा क्या बना लेती हैं आप? प्रोटीन शेक भी मैं नहीं बनाती। तो प्रोटीन शेक कौन बनाता है फिर? दोनों के लिए। भाई तेरी शादी हुई कि जेल हुई है? तो सारा कुछ हुई, सारा कुछ कर नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना मैं सुबह उठता हूं यस बॉस, तो उसके पहले वो भी आता ना, प्रोटीन शेक बनाओ यस बॉस। हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे जो लिफाफे में शगुन वगैरह डालते हैं 151 251 501, तो आपकी तो फिल्म स्टार्स हैं, तो आपकी शादी में भी ऐसे लिफाफे आते हैं कि गिफ्ट ही आए हैं सिर्फ? किसी ने डाला ऐसे 101 निकला लिफाफे में से? हाँ। हैं 101 निकला? थोड़ा सा ज्यादा। चंकी पांडे भी आए थे? आए थे, आए थे। पर उनके साथ लिफाफा नहीं आया। अच्छा 101 भी नहीं था? चंकी पाजी बहुत कंजूस है यार। लॉटरी मेरी बहन, लॉटरी लॉटरी, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो जी जू जी जू जी जू। हाय जीजू, हाय दीदी। हेलो, आप लोग कौन है? हाय। पता नहीं कौन है। अरे क्या कौन, कमाल कर रहे हैं आप। अरे दीदी क्या मिल गई, आप सालियों को भूल ही गए? झूठ बोल रही है, कोई रिश्तेदार नहीं, चला भागो यहाँ से। अरे शर्मा जी, तुमने कहा जरूर नहीं है कि सब रिश्तों खून की बात है। क्या कुछ नहीं, एंजॉय करो एंजॉय करो, गिफ्ट के लिए। अरे वाह, हाउ स्वीट। बंपर तुम लोग लेके आए हो, गिफ्ट लेके आए उनके लिए? नहीं नहीं, ये डब्बा तो एकदम खाली है, इसके अंदर आपको जो भी ठीक लगे ना आप भर के दे सकते हैं। होल फैमिली इज लाइक दैट। देखिए क्या है, हम आपकी शादी पे आ नहीं पाए थे ना, इसलिए आ नहीं पाए। तो क्या मतलब, तुझे बुलाया था क्या? सिर्फ बुलाने पे जाया जाता है। आप मुझे बताइए, आपको इस धरती पे किसने बुलाया? अजीब, सब सबने बुलाया आपको। बताइए किसी ने कहा था कि ओ कपिल शर्मा, इस पृथ्वी को आपकी बहुत जरूरत है, कपिल शर्मा प्लीज आइए, बुलाया था आपको? क्यों आया? देखिए एक तो हम आपकी शादी पे पहुंच नहीं पाए, आपकी शादी में जितने गेम्स वेम्स हुए, जो शादी के गेम्स होते हैं वो भी हमने कुछ खेले नहीं आपके साथ। हाँ, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। यस जी, जो आप जो भी गेम्स दीदी के साथ खेला, हमारे साथ भी खेलना पड़ेगा, है ना? नहीं मैडम सॉरी, दीदी के साथ जो गेम खेला आपके साथ नहीं खेल सकता। उनकी वाइफ है, आपने उनकी वाइफ के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही हो? ये तगड़ा था लॉटरी। नहीं ये वाइफ है तो हम भी साली हैं, और दुनिया जानती है कि साली आधी घरवाली होती है। कम ऑन साली। साली आधी घरवाली देख लो, और किसी बुजुर्गों की पुरानी हवेली जैसी है तू। क्या कुछ भी बोलती है क्या? मैं तेरे मुक्का मार देता अगर मैंने नई घड़ी ना पहनी होती तो। मुक्का मार देता मैं तेरे। मैं भी मुक्का मार के घड़ी को तोड़ सकती हूँ, दिखाऊं? नहीं नहीं सॉरी, यू बेटर बी। खैर वैसे मेरे को गेम्स तो खेलने पड़ेंगे शादी के। आपने, मैंने देखा था कि आपने दीदी को अपनी पीठ पे बैठा के ऐसे पुशअप्स किए थे। सेम चीज आप? नहीं 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 नो नहीं नो नो, हम आंसर लेते हैं नो इज नॉट नॉट फाइन। चलिए आइए,
ये कमर तोड़ देगी गुरु। अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई थोड़ा उधर पुशअप्स करने बड़ा आसान है। आज वर्कआउट नहीं किया ना, कर लो। यस बॉस। क्या करना क्या है भाई? आइए कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा आसान है जी। अरे पुशअप्स तो आप करते आए हैं जी, बस थोड़ा सा उस पर वेट आएगा बस थोड़ा सा हल्का। आइए यस बॉस। ये देखिए हल्की वाली साली आ गई बैठने, चलिए शुरू करते हैं। दूल्हे को पिचका के रख दिया बेचारे को। नहीं अपनी सालियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कम ऑन कारण 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 कारण। आपका बैग ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अभी गेम्स खत्म हो गई, अभी बिजनेस की बात है। हाउ स्वीट। अरे जीजू सुनो, सपोज हम आपका शूज चुराए तो कितना पैसे दोगी? करण 1100 रुपए तक दे देगा आपको। हमें पता था, हमें पता था इतने ही पैसे दे पाएंगे आप, इसलिए हमने आपके जूते नहीं चुराए, हमने आपकी गाड़ी चुरा ली है। और वो भी आपके ड्राइवर के साथ। तभी मिल नहीं रहे वो कहीं पे। अच्छा तो अब आपको 51,000 रुपीज निकालने पड़ेंगे, और अगर आपने शाम तक ये पैसे नहीं निकाले What? तो आपकी गाड़ी पे मैं स्क्रैच लगा लगा के मैं लिख दूंगी आई लव पोपलू। पोपलू कौन है? कौन है? अरे वो जरूरी नहीं है, गाड़ी पे स्क्रैच रखने उसके बारे में ध्यान दीजिए ना। कितना बोला था? लॉटरी। क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग क्यों दीदी और जीजू को परेशान कर रहे हो? हाँ दीदी जीजू कुछ नहीं, मुझे तो खुजली आ रही थी, मैं खुजली कर रही थी बस। Shut up, okay? डैडी के सैलरी पे सबसे ज्यादा पलने वाली, अंदर जाओ, परेशान मत करो दीदी और जीजू को, गो इनसाइड। बाय पोपलू। ठीक है आपकी गाड़ी, ड्राइवर सोच लीजिए। मैं भी जाता ना। ओके बार बार दीदी और जीजू, तू कौन है? जीनियर जीजू। जीनियर जीजू। हाय दीदी, बड़ी सुंदर लग रही है आप। हाय हाय, आप कौन है? मैं सरला, मेरे पापा भी आपसे मिलकर अंदर गए, डॉक्टर गुलाटी, मशहूर गुलाटी। हाँ उन्होंने आई थिंक आपका टेस्ट भी। उल्टा उल्टा साउंड नहीं आ रहा मेरा। उल्टा साउंड। आपका नाम क्या है? उल्ला सरला। पहले इसका नाम कुरला था, कुरला स्टेशन पे मिली थी। देखो मेहमान आए, अंदर जाके मट्टियों पे काली मिर्ची लगाओ, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत एकदम फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया है। खाने के लिए उन्होंने प्रॉपर केटरिंग वाले को रखा है। लो, जो आदमी बाथरूम में डिब्बा नहीं रखता वो केटर रखेगा? झूठ बोल रही है। इसके पिताजी ने एक काम ढंग का नहीं किया, पता है? मेरी तरफ देखो। तू मेरी तरफ देख के तो बोला मैंने। दीदी आप इनकी बातें छोड़िए, आप मुझे प्लीज बताइए ना कि मुझे जीजू टाइप हैंडसम सा लड़का कैसे मिलेगा? मैं तेरे को बताऊं कैसे मिलेगा? ऐसे करता मिलेगा तुझे, फिर बाय बाय करता मिलेगा तेरे को। यार ऐसे कुछ भी बोलती है, जीजू जी जिसको देखो जीजू जीजू। मैं दीदी से बात कर रही हूं ना, तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? टांग मैं तो टांग ही अड़ा रहा हूं, आपको पता है ये ऐसे जुबान लगा के ना अपनी मांग भर लेती है। मैं और क्या क्या कर लेती हूँ गप्पू? यही आप, मैं बताना भूल गया, शी इज वेरी टैलेंटेड। ये छिपकलियों को मच्छर पकड़ने की ट्रेनिंग देती है। अच्छा। जैसे शेर होता है ना, शेर बिल्ली को मौसी कहता है ना, इसको छिपकलियां उस्ताद जी कहती है। अच्छा आपने कभी किसी छिपकली को तीन पैरों पर चलते देखा? नहीं ना, कभी इसके सामने देखना, छिपकली ऐसे सल्यूट करके वो तीन पैरों पर जाती है। देखा दीदी, ये मेरे बारे में कितना कुछ जानता है, इसका मतलब आप समझ रहे हो?
फैन है मुझे मुझे हाँ वही लग रहा है कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट है आप में ये लोन है कोई इसमें इंटरेस्ट क्यों लूंगा मैं तुम ना बस चबड़ 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 करते रहो जीजू से कुछ सीखो कैसे चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं तो जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करेगा अच्छा दीदी आप मुझे बताओ कि मुझे एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा मतलब हमारी सोसाइटी में तो सारे जाहिल गवार और आवारा टाइप के लड़के हैं करण मेरे को बताओ यार ऐसी विपाशा जैसी लड़की कहाँ से मिलती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लड़की है ना मतलब है नहीं कोई इसीलिए हमारे लड़के लड़कियां बनके घूमते रहते इधर कोई इतनी खास कोई अच्छा लेकिन सरला अच्छा बताओ कि तुम कैसे लड़के के सपने देखती हो किस तरह के टॉल हैंडसम लीन फिट और हाँ सैलरी सिक्स फिगर टाइप हो तो अच्छा खुद 5 फीट भी पूरी नहीं है सैलरी आपको 6 फिगर में चाहिए कपूर तुमने कहावत नहीं सुनी उधर रोके चल नया सोफा क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको सोफा ना कर लो सरला तू कितनी प्यारी ऐसी तू क्यों शरारती क्यों इतनी शरारती क्यों ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करती है सरला तू कपूर एक कहावत है फिर करूं मजा आया तेरे को आज ये पुराने रिलेशन है कुछ इस वजह से लिहाज कर जाते हैं पता नहीं क्यों लग रहा है कोई ना कोई रिश्ता रहा है हमारा 2-3 साल कपिल तू जरा होंठों को याद कर इतनी सियाह मेरे दिल करके सो जूस नहीं होती ना बच्चों को देखे ऐसे ऐसे करता रहूं शो जा बेबी शो जा चंदा मामा आएंगे पैसे देके जाएंगे चलो शाबाश हो गया ना बच्चों का काम चलो जाओ क्या मैं क्या बोल रहा था करण विपाशा के बारे में मैं बोल रही थी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन देखो यू नो फाइनली क्या होता है बिटवीन टू पीपल सबसे बड़ी बात ये है कपल कि दोनों में प्यार होना चाहिए या ये सबसे बड़ी बात सो इट्स अबाउट टाइम कि तुम्हें कुछ सीखना चाहिए मैं really? मैं तुम्हें सिखाती हूँ प्यार की भाषा इधर आओ व्हाई नॉट माय गॉड विपाशा इज गोना टीच मी इधर खड़े रहो आंख बंद करो आंख बंद करके अच्छा ऐसे ओके इससे झुंझुनी सी होती ये बात गलत है क्यों प्यार की भाषा अभी अभी एक दूसरे की आंखों में देखो ओ, नहीं नहीं मैं नहीं मैंने बड़ा साल देखा मैं ऐसे नहीं हटा मैंने प्यार अंधा होता है कपिल ये बात गलत है करण अच्छा कॉन्टिनेंटल का मेन्यू दिखा के दाल बाटी खाने को बोल रही है yeah. तुमने मुझे दाल बाटी कहा दाल बाटी हाँ. कपूर मैं तुम्हें श्राप दे दूं कि तुम हमेशा भूखे रहोगे और जब खाओगे ना जब खाने को मिलेगा तब दाल बाटी ही खाओगे तुम चलो दूध पीने का टाइम हो गया खेलो जल्द सो जाओ क्यों मैं जाके दाल बाटी बनाऊंगी तुम्हारे लिए बाय दीदी बाय जीजू छोटे बच्चे भी आए देखो हाउ आर यू बेबी अच्छा कम 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 ऑन स्टेज ये बहुत प्यारा है यार गोलू मोलू का सो क्यूट आजा 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 कम बेटा इधर आओ हाउ आर यू वही तू बड़ा क्यूट है इधर सो क्यूट लड्डू है ये खोए का क्या नाम है बेटा आपका माइटी राजू माइटी राजू मल्टी राजू माइटी राजू माइटी राजू मल्टी लड्डू बोला उसने तो कहां से आए बेटा आप बॉम्बे से बॉम्बे बॉम्बे से है तू किसके साथ आए हो मम्मा के साथ अच्छा ये एक अब इनको बताओ इनको कांग्रेचुलेशन करो अभी शादी हुई ना उनकी आपको पता है ना शादी क्या होती है बेटा उनकी भैया मैं क्यों करूं कांग्रेचुलेशन अरे शादी नहीं आपको पता उसको पता नहीं शादी क्या होती है जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा तो जैसे मतलब अभी कैसे समझाऊं बच्चे को क्या बेटा आप जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर आपकी शादी कर दी जाएगी एक लड़की के साथ वो भी अभी कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी होगी जब होने वाली होगी सो शर्मा गया तू शादी करोगे बड़े होके ये लड्डू बड़ा सीधा नहीं है ये चलो अभी आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो
कॉलेज। थैंक यू डार्लिंग। उनको बोलो आप हमेशा खुश रहो, ऐसे बोलो। आप हमेशा खुश रहो। और अगले साल? अगले साल मेरे जैसा, मेरा जैसा लड्डू आपका भी हो। लड्डू आपका भी हो। बहुत क्यूट है, थैंक यू बेटा, जाओ गो। लड्डू रिंकू भौजी आज आप देखेगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगाएंगे, माचिस लाना तो हम भूल ही गए। रिंकू भौजी आज हम पार्टी में डांस करके आग लगा देंगे। अच्छा डांस करोगी, फिर तो लोग ही अपनी माचिस से आग लगा देंगे। देखा अरे हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, उनको योर ऑनर कहते हैं, इनको सिक्स पैक का ओनर कहते हैं, आपको इनकी ओनर कहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते, क्यों कहें हम, क्यों कहें। सही है विपाशा, ये ना हमारे पिछले मोहल्ले में रहती हैं, ये दोनों ननद भाभी हैं। तो क्या है भाभी आप क्यों तंग करने आ रहे हैं? अरे देखिए एक मिनट आप दोनों को देखकर कितना खुशी हो रहा है। आपका तो 27 दिन हनीमून चला है, हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। हाँ तो बीवी भी तो देख रहे हो उनकी विपाशा, तुम्हारे जैसे तो आदमी मंडप से भाग जाए। हम यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे, हमारे जो भैया है वो मंडप से नहीं सुहागराज से भागे थे। हाँ। और बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे, गोल बाजार से हम जाके पकड़ लाए थे उनको। और बाहर ना सिद्धू साहब हमने जर्मन शेफर्ड कुत्ता बिठा दिया था, कुत्ते के नोक पे सुहागरात मनाए हैं हम। अब तो देखिए हमेशा से कहते हैं कि रिंकू भौजी के विचार बहुत ही कुत्ते हैं। हमारे विचारों का पूछ लगा है क्या जो कुत्ते हैं? अरे छोड़िए, देखिए आप इतनी फिट फाट रहती हैं। हाँ विपाशा जी एक बात बताइए। फिट रहती हूँ, फाट तो तुम करती हो। आप शब्दों में से कैसे मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग ना। अंग्रेजी वाला फाट कहे थे पागल, अब समझ आया। हम समझ गए हैं, नहीं आप इतना फिट रहती हैं, हम फाट को छोड़ देते हैं। फाट को छोड़ दो। नहीं हम नहीं छोड़ते हैं कुछ नहीं। हम यहाँ आए थे, हमारे देवर का नया नया शादी टूटा है, उसकी पार्टी करने के लिए आए थे, और पता नहीं कहाँ रह गया हमारा देवर। ए ससुरी के ए देवर जी, आजा आजा। इसको अभी भी लग रहा है कि घोड़ी पे है। आजा आजा घोड़ी के, ये हमारा देवर है, आजा आजा आजा। हमेशा इतना लेट क्यों आता है रे तू? हाँ खड़ा इतना ओवर एक्टिंग, इतना लेट क्यों आता है रे तू हमेशा? शादी करूंगा विपाशा बासु से शादी करूंगा मैं। देख ले विपाशा बासु की शादी हो गई करण से, अब सारी जिंदगी बैठा रहे कुंवारा, बैठा रहे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे? अरे रिंकू भौजी रुक जाइए। ऐसा नहीं, आप इस तरह रिंकू भौजी को हाथ नहीं लगा सकते। आप घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाइए कि हम मर जाएं। इतना मत बचाइए कि मर जाए। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया, एक तो हम बचा रहे हैं, बेकार की बात करता है खिचड़ी का। एक मिनट, खिचड़ी उठनी का होता है, सब कुछ का होता है, खिचड़ी का क्या होता है? तो पुलाव इनके मुंह को सूट कहाँ करता है? रुके, देखिए विपाशा जी क्या है, हमारे भैया है, शादी टूट गया है, आपके बहुत बड़े फैन है, तो अगर इनके साथ थोड़ा ऐसा डांस कर लेंगे तो शायद इनके दिल को थोड़ा तसल्ली। डांस करने का मन नहीं करता, जड़ दो इसके दो। भाव जी आप कुछ गाना वाना बजा दीजिए। हाँ हाँ कर देते। ए प्रोडक्शन ढोलकी लाओ रे। हाँ आ जा चम्मच की तरह, थोड़ा इधर आ जा।
गाने का हिस्सा ही है। तो हमने गला साफ किया है। माए शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माए साड़ी। माए शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माए साड़ी। हाय माए शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माए साड़ी। माए शुक्ला की बेटी, अरे माए टच माए साड़ी। शुक्ला की बेटी, अरे माए टच माए साड़ी। अरे माए शुक्ला की बेटी, अरे माए टच माए साड़ी। बहुत मार खाया है। बोलो। वाओ। बैड। बहुत अच्छा किया अभी, शाबाश, दफा जाओ। चलो चलो भाई, आप हो गए ना, अभी खुश हैं? अभी दूसरा लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। जी जी। अब पता है रात को भी यही पहन के सोता है, इतना शादी का आग लगा है इसमें। चलो आ जाओ, नहाओ अभी चल के। नहाओ अभी चल के। बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। शुक्रिया। अरे कहाँ जा रहा है, मार तो खा के जा, थोड़ी सी आ जा। कैरिंग और साइकिल। तो शादी के बाद आप सबके सामने हैं बिपाशा और करण। आप सब जो भी करण से बिपाशा से बात करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। जी कौन सबसे पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब। पहले तो सर आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद? उसके बाद मैं करण सर से ना थोड़ा सा नाराज हूँ। क्यों? करण सर ने ना बिपाशा मैम के लिए अपनी शादी पे इंग्लिश में गाना गाया था, जिससे मेरी जो होने वाली वाइफ है ना वो कह रही है कि आप ही मेरे लिए इंग्लिश में गाना गाओगे तो ही मैं शादी करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। सॉरी सॉरी। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में कोई गाना गा सकते हैं ताकि मैं उसका, इससे उसका माइंड सेट हो जाए। फिर आगे तुम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में गाओगे? नहीं मैं हिंदी। मेरी भी आपकी तरह इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। मेरी तरह क्या है? इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं मेरे शो में, वेस्ट इंडीज के प्लेयर। पता कितनी बोली मैंने, 3 घंटे बोली लगातार, बीच में 5 मिनट तो मेरे को समझ भी आई। तो आप चाहते हो कि मैं हिंदी में कुछ गाना गाऊं? करण गा ही दो, मैं तो कहता हूं आज। करण इधर सच्ची में रॉक स्टार की तरह जाओ। करण मंच लगाओ। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मेरी एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मेरी एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पहले अपना नाम बताया नहीं आपने। सर मनीष। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त प्लीज। बिपाशा जी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप है बंगाली एंड करण इज पंजाबी, एंड पंजाबियों में कलीरे झाड़ने की रस्म होती है। मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ एंड बोथ ऑफ अस आर नॉट मैरिड, एंड हम अपना दूल्हा ढूंढ रहे हैं और हम काफ़ी जल्दी में हैं। सो वी वुड रिक्वेस्ट यू बिपाशा जी, अगर आप हमारे साथ वो रस्म करें तो आपको दूल्हा ढूंढने फिल्म सिटी आई, इधर चीता घूमता है बाहर। वो कलीरे झाड़ेगा आपके ऊपर, खाओ करके खाएगा। लेकिन कपिल मुझे लगता है आपके घर में भी तो इतनी सारी कुंवारियां हैं। कौन? वो असली नहीं है। नहीं नहीं
आई थिंक ये रस्म करते हैं तो सबको बुलाते हैं। उनको झाड़ के देखो, लड़के अलग सामान अलग दिख रहे हैं। आओ भाई, कौन है लड़कियां हमारे घर में? ऑल द सिंगल लेडीज, लेट्स डू इट। अच्छा, असली वाली। लो, गिरा भी उन पे जिनकी हो ही नहीं सकती। नानी कैंसिल। Congratulations, कपिल। इसको आगे लगा अपना झुमका बना के ना, मुंह का झुमका बना इसको। वो तो मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी ना होता है। पर कपू हो गया। अरे नहीं हुआ। चलो भाई, बहुत अच्छा लड़की हो, शाबाश। Thank you so much. चलो शाबाश। Thank you. Thank you so much. चलो इसको बेच के अपने लिए बालियां ले लेना, चलो जाओ। ए, क्या बात है, हमारा तो रिजेक्ट कर दिया। जी, और मेरे दोस्त कोई? जी जी मैडम। हेलो विपाशा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। शादी के बाद जैसे घरों में छोटे छोटे काम होते हैं, वो आपसे एक टेस्ट लेना चाहती हूँ आपका। क्या कर, टेस्ट? टेस्ट लेना। क्या मैं आऊँ वहाँ पे? वाह, ये क्या है? सर को ये शर्ट पहनाइए है? हैं? और इसका एक बटन टूटा है, उसको आप लगाइए। तो करण सर क्या पहले नंगे बैठे हुए हैं शर्ट लेकर? Come on, husband wear the shirt fast. ए घुसे, ए ए सुई सुई, मेरी सुई। मैं नहीं पहन रहा हूँ। पहले बटन लगाओ फिर पहनूंगा। नहीं, क्या है? आप पहले बटन लगाओ ना, सुई पहले से जाएगी अंदर मेरे। क्या है ये, टेस्ट है? किसका है टेस्ट, आपका या मेरा? बटन को पकड़ो। बटन भी मैं पकड़ूंगा। नहीं, बट बट लिसन, इंसान डरा हुआ बटन लगवाते हुए। पता नहीं कब मेरे आर पार निकाल दे सुई। ये बहुत ही स्लिपरी सुई है, इट्स द सुई। अब सुई सुई को भी जिम भेजे क्या? सुपड़ी सुई क्या होता है? बटन कहाँ लगा, अंदर को लगा दिया? नहीं, ये थोड़ा वो बटन को बांधना थोड़ी ना था, बीच में से निकाल के वही पे डालना था। ये बटन और शर्ट की शादी कर दी। क्या बात है, बहुत बहुत मेहरबानी, कांग्रेट्स। Thank you so much. Thank you. Many congrats, Pasha. तुम दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you. Thank you. Thank you. एक शिकायत है तुम दोनों से. हमें शादी के लिए बुलाया तो नहीं था, चलो रस्में यहीं पूरी कर लेते। सारी रस्में पूरी करनी है तो। क्या रस्में करनी पूरी? अरे कंगना खेलते ना। ओहो! रिंग निकालो, रिंग। ओ हाँ, रिंग निकाल। हाँ, हाँ, हाँ। लेके आइए प्लीज प्रॉप्स। ये स्विमिंग करनी है आपको? ये क्या कर रहा है, इसमें कौन खेलता है? वाह, साइज देख तू। देखो पहले से बता देती हूँ, ये रिंग फेंकेंगे, दुल्हन भी रिंग फेंकेगी, उसके बाद यहीं से रिंग ढूंढ के दिल निकालना है, जो रिंग निकालेगा। क्या होगा? तू बता, इनाम क्या है? रिंग उसका। ठीक है, ओके, गया।
एक मिनट, दुल्हन दाल, दूल्हा दुल्हन पीछे आ जाए जरा, ओके चलो स्टार्ट। अरे मिल गई दोनों, एक तो मिल गई, मिल गई दूसरी, वाह। करण, बिपाशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, और आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और क्योंकि अभी क्योंकि शादी अभी नई नई है तो अभी जश्न और चलेगा थोड़ी देर, लेकिन आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। और जाने से पहले हम यहाँ पे अपना मस्ती धमाल करेंगे, आप लोग भी हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चेक 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 चेक, साउंड ठीक है, मैं साउंड वाले का काम भी करता हूँ। तेनु मैं लव कर दा, बेमतलब कर दा, तेनु मलब कर दा, बेमतलब कर दा, हो बाहों में आ सुनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो। ओके गाइस, यू कैन डांस वेयर एवर यू आर। मैं यटी अमला पगला दीवाना, मैं जटी अमला पगला दीवाना, ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। सावन में लग गई आके दिल मेरा, ओ सुन ले हसीना पागल दीवानी, सुन ले हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल मेरा, ओ सावन में लग गई आके दिल मेरा। Why are you standing there? आप वहां खड़े हो। तारे गिन गिन याच तेरी मैं ताजा कर रातां नू, रोक न पावा अखियां विच्चों गम दियां बरसातां नू, तारे गिन गिन याच तेरी मैं ताजा कर रातां नू, रोक न पावा अखियां विच्चों गम दियां बरसातां नू, हो 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 हो, इश्क तेरा तड़पावे, हो ओ गजना लगा के आई नैस में हाय गैस में, चंकी चो चंकी चो चूड़िया भी हाथ दिल मेरा, ओ सावन में लग गई आग दिल मेरा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये लोग पागल के बच्चे हैं, किसी को भी काट सकते हैं, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, व्हाट आर यू डूइंग, ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।